हेलो एवरीवन, दिस इज नेहा। वेलकम टू आवर चैनल DSSSB स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट। 2019 का क्वेश्चन पेपर हम देख रहे हैं। नोटिफिकेशन 2017 में निकला था। इससे पहले 101 से लेकर 110 तक के क्वेश्चन जो हैं हम प्रीवियस वीडियो में सॉल्व कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 101 में जो पुट करना था x3 का वैल्यू, अगर आपने वीडियो देखा है तो मैंने गलत इक्वेशन में पुट कर दिया था। वहाँ पिन किया हुआ है मैसेज, वो आप वहाँ पर देख सकते हैं। सेकेंड थिंग कि यहाँ पे जब हम क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे हैं, आप चाहें तो खुद पेन पेपर भी लेके बैठ सकते हैं, क्योंकि तो यहाँ पे मैं कॉन्सेप्ट वाइज स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करा रही हूँ। स्पीड और टाइम का यहाँ पे कोई मतलब नहीं है। हमारा जो एम है वो क्वेश्चन पेपर में किस टाइप के क्वेश्चंस आए थे और क्या कॉन्सेप्ट उसके पीछे था, क्या कैलकुलेशन रही है, ये हम देखेंगे। मैं जल्दी ही रिगार्डिंग द स्पीड एंड टाइम को लेकर कि क्वेश्चन पेपर को कैसे सॉल्व करें, क्योंकि स्टैटिस्टिक्स के जो क्वेश्चंस हैं वो इतना इजी नहीं आने वाले हैं, इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं आएंगे कि आपने देखा और टिक कर दिया। तो आपको स्टडीज तो अच्छे से करनी ही है। तो सेक्शन ए और सेक्शन बी में कैसे आप बैलेंस कर पाए, और मिनिमम सेक्शन बी में 40% तो लाना ही है, तो उसके रिगार्डिंग मैं एक वीडियो बनाऊंगी जल्दी। तो आप डिसाइड कर सकते हैं अपना स्ट्रेटेजी कि कैसे क्वेश्चन पेपर को अटेम्प्ट करना है। ओके, नेक्स्ट है, ये कोर्स मटेरियल डिज़ाइन किया गया है एग्जाम पैटर्न को देखते हुए। काफ़ी कॉन्सेप्ट वाइज सभी टॉपिक्स को समझाने की कोशिश की गई है। प्रैक्टिस सेट उसके साथ दिया गया है, तो ये आप कोर्स देख सकते हैं, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 111 से। तो क्वेश्चन नंबर 111 है, इवेंट्स ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड हैव अ नॉन जीरो प्रोबेबिलिटी, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव क्या होता है। तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एक स्टैटिस्टिकल टर्म होती है जो डिस्क्राइब करती है कि दो या उससे ज़्यादा इवेंट एक साथ नहीं हो सकते। सो इफ टू थिंग्स आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, इट मीन्स दे कैन नॉट एग्जिस्ट और हैपन टुगेदर एट द सेम टाइम। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको दो ऑप्शन दिए जाते हैं एंड यू हैव टू चूज ओनली वन ऑफ देम, देन दोज ऑप्शंस आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। एंड नॉन जीरो प्रोबेबिलिटी क्या होती है, ये भी एक टर्म है स्टैटिस्टिक्स में और प्रोबेबिलिटी थ्योरी में यूज होती है। इसका मतलब है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट अकरिंग इज ग्रेटर देन जीरो। ठीक है, तो ऑप्शन जो वन है इसका, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का, दोनों इंडिपेंडेंट इवेंट्स को ऐड किया जाता है तो ये यूनियन होता है, दिस इज इंटरसेक्शन। सो ऑप्शन वन इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 112 है कि आपको रैंडम वेरिएबल एक्स जो है उसका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन दिया हुआ है, एफ एक्स दिया हुआ है, द वेरिएंस ऑफ एक्स इक्वल्स टू। तो वेरिएंस आपको इसका कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहली बात है कि वेरिएंस कैलकुलेट करने के लिए आपको एक तो फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो वेरिएंस ऑफ जो एक्स होता है दैट इज ए टू बी एक्स माइनस म्यू का होल स्क्वायर एफ ऑफ एक्स डी एक्स। इसको दूसरे तरीके से भी लिख देते हैं कि एक्स स्क्वायर एफ ऑफ एक्स और माइनस म्यू स्क्वायर। तो म्यू यहाँ पर बेसिकली क्या होता है, ई ऑफ एक्स होता है, एक्सपेक्टेशन होती है ई एक्स, या फिर उसको हम म्यू भी लिख देते हैं, तो वो होता है ए टू बी एक्स एफ एक्स डी एक्स। तो सबसे पहले हमें ये म्यू कैलकुलेट करना पड़ेगा, यानी कि ये कैलकुलेट करना होगा। तो आप वैल्यूज रख दीजिए इसमें, तो ये हो जाएगा इक्वेशन माइनस वन टू थ्री एक्स इंटू फंक्शन क्या है मेरा 1/4 डी एक्स। ओके, तो 1/4 तो कॉन्स्टेंट है, बाहर आ जाएगा, और एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डी एक्स क्या होता है, एक्स टू द पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन। तो एक्स की पावर एन क्या है, यहाँ पर वन है, कुछ भी पावर नहीं है, इट मीन्स वन है। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाय टू, और पावर लग जाएगी इसमें लोअर लिमिट और अपर लिमिट माइनस वन टू थ्री, तो ये हो जाएगा 1/4 तीन तिया 9/2 और माइनस आता है, और ये माइनस वन का स्क्वायर होगा तो प्लस ही रहेगा, तो 1/2। ओके, तो 1/4 ये हो जाएगा 8/2, यानी 4 × 8, तो ये हो जाएगा 1। तो इसकी वैल्यू क्या आ गई, इक्वल्स टू 1 आ गई। अब यहाँ पे वैल्यू रख दीजिए आप, वेरिएंस कैलकुलेट कर लीजिए, तो वेरिएंस ऑफ एक्स क्या हो जाएगा, माइनस वन टू थ्री एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर, एफ ऑफ एक्स क्या है 1/4 डी एक्स। ठीक है, तो 1/4 को आप बाहर ले लीजिए, इसको सॉल्व, इसको ओपन एक्सपेंड कर लीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस के 2x, ये हो जाएगा
वन बाई फोर बाहर आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस के टू एक्स प्लस वन डी एक्स, ओके। या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम, इंटीग्रेशन ऑफ, या तो एक्स स्क्वायर फोर को आप नीचे ले लीजिए या फिर डायरेक्टली इंटीग्रेशन कर दीजिए। तो एक्स स्क्वायर का क्या होगा, एक्स क्यूब बाई थ्री माइनस टू एक्स स्क्वायर बाय टू प्लस एक्स, ओके। वन का कॉन्स्टेंट का क्या होता है, एक्स होता है, ये हो जाएगा माइनस वन टू थ्री, ओके। वन बाई फोर यहाँ पे बाहर है, तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब अपॉन चार दिया बारह माइनस, यहाँ दो से दो कट जाएंगे, ओके। तो ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर अपॉन फोर, ये टू से टू कैंसिल हो गया, तो एक्स स्क्वायर अपॉन फोर प्लस एक्स अपॉन फोर। अब आपको क्या करना है, सिर्फ लिमिट लगानी है, माइनस वन टू थ्री, तो ये हो जाएगा थ्री थ्री जै नाइनटी, और तीन तीन नौ, नौ तीन सत्ताईस बटे बारह माइनस नौ बटे चार प्लस तीन बटे चार। अब क्या आता है, जब अपर लिमिट के बाद लोअर लिमिट लगाते हैं तो माइनस आता है, ओके। अब मैं यहाँ पर पुट करूंगी माइनस वन का क्यूब माइनस आएगा, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, या तो ऐसे कर लीजिए, जिसका स्पीड कैलकुलेशन अच्छा है वो एक स्टेप स्किप कर सकता है, मैं पूरा बता देती हूँ। तो हो जाएगा माइनस वन बाई ट्वेल्व, और ये हो जाएगा माइनस माइनस, ये हो जाएगा वन बाई फोर, और ये हो जाएगा माइनस वन बाई फोर, ओके। तो यानी कि जब माइनस का मल्टीप्लीकेशन होगा ना यहाँ पर, ये माइनस का मल्टीप्लीकेशन होगा इस पूरे टर्म में, तो ये हो जाएगा, ये इरेज कर देती हूँ यहाँ से, ओके, यहाँ ले आते हैं इसको, तो ये हो जाएगा 27 बटे 12 माइनस 9 बटे 4 प्लस 3 बटे 4 प्लस 1 बटे 12, ये उसमें है मल्टीप्लीकेशन में, ओके। तो ये हो जाएगा माइनस इंटू माइनस प्लस 1 बाई 4 प्लस 1 बाई 4, तो सॉल्व कर लीजिए, 12 आएगा 4, 12 का एलसीएम तो हो जाएगा 27, 4 दिया 12 माइनस के 27 प्लस के 9 प्लस के वन प्लस के थ्री प्लस के थ्री, ओके। सो ये हो जाएगा 27 से 27 कैंसिल हो जाएगा, ओके। तो तीन और तीन छः और एक सात, नौ और सात सोलह बटे बारह, तो चार चौका सोलह और चार तीन बारह, फोर बाई थ्री इज योर करेक्ट आंसर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर, ये हिंदी में है, किसी यादृच्छिक चर x में प्रायिकता घनत्व फलन दिया हुआ है, x का विचलन कौन सा होगा। क्वेश्चन नंबर 113 है आपका, कि प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन ऑफ अ रैंडम वेरिएबल x इज गिवन बाय, ये फंक्शन दिया हुआ है, ओके, लिमिट दी हुई है, तो c का वैल्यू निकालना है। ऐसे क्वेश्चंस मैंने नोट्स में ऐड किए हैं। इस क्वेश्चन के लिए स्पेशली आपको पता होना चाहिए, याद होना चाहिए कि मैंने इंटीग्रेशन का उसमें लिस्ट ऐड कर दिया है, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी ई टू द पावर माइनस ए एक्स स्क्वायर, अगर ऐसा कुछ टर्म आता है तो उसको डायरेक्टली अंडर रूट ऑफ पाई अपॉन ए उसका आंसर होता है, क्योंकि यहाँ पर ए कॉन्स्टेंट है। तो इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं वो सभी इंटीग्रेशन में उसका नोट्स में ऐड कर दूंगी। तो यहाँ पर ई टू द पावर माइनस C को अगर आप बाहर रख लो, ओके, C को यहाँ पे हम बाहर रख लें, तो इसका जब इंटीग्रेशन हम करेंगे, C बाहर आ जाएगा माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एक्सपोनेंशियल ई टू द पावर माइनस के एक्स स्क्वायर बाय टू, सेम इक्वेशन है, ओके। अब मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ पर इक्वल्स टू ये वन होता है, यहाँ पे A को मैंने क्या मान लिया, वन बाई टू, डिफरेंस इतना ही है, ठीक है। A को हम क्या मान सकते हैं, वन बाई टू, तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, इक्वल्स टू ये वन होता है, ओके। तो आंसर क्या हो जाएगा, सी ए अपॉन में है, यानी कि यहाँ पे ए टू नीचे आएगा, मेरा वन बाई टू है, तो अंडर रूट ऑफ टू पाई हो जाएगा, ओके, टू पर आ जाएगा, समझे आप। इससे लिया, डायरेक्टली लिया है मैंने, इससे डायरेक्टली मैं इसको सॉल्व कर रही हूँ, पूरा सॉल्व नहीं कर रही हूँ, क्योंकि इसका मतलब ये होता है, तो यहाँ पे ए वन बाई टू है, तो ये सी अंडर रूट ऑफ टू पाई इक्वल्स टू वन इक्वेशन के हिसाब से, तो सी की वैल्यू क्या आ जाएगी, वन अपॉन अंडर रूट ऑफ टू पाई, ओके। तो ये जो है आपको कुछ स्पेसिफिक है जो नोट में मिल जाएंगे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 114 की ओर, ये हिंदी में है।
तो क्वेश्चन नंबर 114 है आपका, इफ द इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल एक्स वाई आर बाइनोमली डिस्ट्रीब्यूटेड रेस्पेक्टिवली विद एन दिया है, पी का वैल्यू दिया है, ठीक है, एक्स के लिए ये वैल्यूज हैं और वाई के लिए, वाई वेरिएबल के लिए ये वैल्यू है, तो प्रोबेबिलिटी दैट एक्स प्लस वाई इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू वन क्या होगी? तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं, बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है तो x क्या हो जाएगा b, n की वैल्यू क्या है मेरा, यहाँ पर n और p लिखते हैं ना, n1 वन कॉमा पी वन लिख लीजिए, तो x टिल्डे साइन ये हो जाएगा 3 कॉमा 1 बाई थ्री, और यहाँ पर जो y के लिए लेंगे तो y हो जाएगा आपका 5 कॉमा 1 बाई थ्री, डायरेक्टली लिया है p1 और p2, p1 वन इक्वल्स टू पी टू इक्वल्स टू मेरा 1 बाई थ्री है, ठीक है, तो x प्लस जो y हो जाएगा दैट इज हो जाएगा मेरा यहाँ पे 5 प्लस 3 एंड ऐड हो जाएंगे, टिल्डे साइन आएगा तो ये हो जाएगा 8, और p1 p2 बराबर है तो 1 बाई थ्री रखेंगे, सो p ऑफ x प्लस y ग्रेटर देन इक्वल्स टू y जो होगा बेसिकली इस इक्वेशन के लिए, तो हो जाए वो होता है, एक्चुअली मैं फॉर्मूला लिख देती हूँ, एन सी आर पी टू द पावर r q टू द पावर n माइनस r, तो n मेरा क्या है यहाँ पर 8 है, तो 8 सी आर p क्या है मेरा 1 बाई थ्री टू द पावर r, और q हो जाएगा, q क्या हो जाएगा 1 माइनस 1 बाई थ्री इक्वल्स टू 2 बाई थ्री, तो 2 बाई थ्री 8 माइनस r, ये इक्वेशन आई। अभी क्या करना है कि मुझे जब इक्वेशन हमें निकालना है इस ग्रेटर देन 1 के लिए निकालना है, तो ग्रेटर देन 1 के लिए जब हम करते हैं तो ग्रेटर देन 1 के लिए क्या होगा, वो जो भी होगी एडिशन तो 1 होता है, तो वो होता है 1 माइनस p ऑफ x प्लस वाई, जो भी लेस देन इक्वल्स टू 1 है उसको 1 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये ग्रेटर देन 1 के लिए आ जाएगी। तो लेस देन के लिए हम कर नहीं सकते, तो हम क्या करते हैं जीरो पुट कर देते हैं, तो x प्लस वाई इक्वल्स टू जीरो कैलकुलेट करेंगे 1 में से, तो ये मुझे कहाँ से मिलेगा, ये जो टर्म मिलेगी वो मुझे मिलेगी इस यहाँ से, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ये जीरो हो जाएगा, तो r मुझे जीरो पुट करना है, तो यहाँ पे जब r जीरो पुट करेंगे तो हो जाएगा 8c0 1 बाई 3 की पावर 0 एंड 2 बाई 3 की पावर 8 माइनस 0 इज 8, तो ये 1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 बाई 3 की पावर 8 आए यहाँ से आ जाएगा, तो 1 माइनस 2 टू द पावर 3 8 आपका, ये डायरेक्टली सॉल्व नहीं किया हुआ है, ऑप्शन जो 4 है वो आएगा, ओके, सो ऑप्शन 4 विल बी योर करेक्ट आंसर। 115 है आपका, इफ 1000 एंड 4000 आर द पॉपुलेशन ऑफ द एक्सक्लूसिव ट्रेबल एट एन इंटरवल ऑफ 10 ईयर्स, द पॉपुलेशन ऑफ सेम ट्रेबल जस्ट आफ्टर 5 ईयर्स कितना होगा? ओके, तो अगर 10 वर्ष के अंतराल में 1000 से 4000, चार गुना हो रही है, तो 5 साल बाद उसकी जस्ट हाफ हुई होगी, तो 4000 का हाफ 2000 आपका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन 1। क्वेश्चन नंबर 116 है, द डेथ रेट ऑफ वुमन ड्यू टू डिलीवरी ऑफ चिल्ड्रन इज टर्म्ड एज, कि अगर वुमन की डेथ हुई है डिलीवरी की वजह से, मतलब डिलीवरी के टाइम डेथ हुई है, तो वो मॉर्टिलिटी रेट क्या होगी? नियोनेटल होती है बच्चे के लिए, बच्चे की अगर होती है तो, इन्फेंट भी वही बच्चे के केस में, यहाँ पर लेस देन 1 ईयर एज होती है, तो फीटल डेथ रेट नहीं होती, ये थी मैटरनल मॉर्टिलिटी रेट, नवजात मृत्यु दर नहीं, शिशु मृत्यु दर नहीं, मात्र मृत्यु दर, ओके, गर्भ में नहीं हुई है, बच्चे की गर्भ में होती है तो वो अलग से आएगी, यहाँ पे वुमन के लिए आया, मदर के लिए आया, दैट इज मात्र मृत्यु दर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 117, सो द मेजरमेंट एक्स स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोडक्ट विल बी अ कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल विच कंट्रोल चार्ट इज नॉट सुटेबल फॉर एक्स, तो कंट्रोल चार्ट फॉर द प्रोपोर्शन जो है वो सुटेबल नहीं होता है, मीन रेंज या वेरिएंस वाला होता है, कंट्रोल चार्ट के रिगार्डिंग भी ये नोट्स में मैंने मेंशन किया हुआ है, थ्योरी से है ये क्वेश्चन, ओके, ये हिंदी में है। क्वेश्चन नंबर 118 है आपका, द मेजरमेंट एक्स अ स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ प्रोडक्ट विल बी अ रैंडम वेरिएबल, f of x1 x2 we test statistic from a random sample से लिया हुआ है from x under null hypothesis follows certain distribution with ef जो दिया हुआ है mean और variance दिया हुआ है in the 3 sigma control chart the lower control line is represented by, तो sigma ये जो chart control chart में lower line क्या होती है upper line क्या होती है control line क्या होती है ये भी notes में मैंने सब mention किया हुआ है तो जब आप पढ़ोगे तो आपको पता चल जाएगा दिस इज अ स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन यहाँ पर ये हो जाएगा m नॉट माइनस जो दिया हुआ है
स्टैंडर्ड डेविएशन, तो ये हो जाएगा 3D0, 3 सिग्मा, क्योंकि सिग्मा यहाँ पर क्या होता है, अंडर रूट ऑफ वेरियंस, तो ये हो जाएगा 3D0। ओके, अगर अपर होता है तो वहां पे प्लस आता। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर, ये हिंदी में पढ़ लीजिए। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 119। सो 119 है आपका, इफ द रिलायबिलिटी, इफ द थ्री कंपोनेंट्स ऑफ 0.9 रिलायबिलिटी आर अरेंज्ड इन द सीरीज इन द सिस्टम, द रिलायबिलिटी ऑफ द सिस्टम इज, सीरीज में लगे हुए हैं तीन कंपोनेंट, ठीक है, तो 0.9 विश्वसनीयता के तीन घटक लगे हुए हैं। ओके, तो प्रणाली की विश्वसनीयता कितना होगी जब सीरीज में इस तरीके से होते हैं, सीरीज कनेक्शन जो आप पता होगा आपको। तो ये है 0.9, 0.9, 0.9, तो मल्टीप्लिकेशन हो जाता है 90, 90, 81, तो ये हो जाएगा 0.81 इंटू 0.9, तो 9 × 9, 9 × 72। ओके, तो तीन स्थान बाद डेसिमल लगेगा, तो 1, 2, 3, तो 0.729 सीरीज में होता है, तो आपको उनका मल्टीप्लिकेशन करना होता है। 120 भी सेम वही टॉपिक से है, दो कंपोनेंट 0.9 रिलायबिलिटी के साथ अरेंज किए गए हैं पैरेलल में, तो पैरेलल कनेक्शन का आपका किस तरीके से होता है, इस तरीके से होता है। ओके, रिलायबिलिटी ऑफ द सिस्टम क्या होगी, तो पैरेलल कनेक्शन के केस में आपका जो रिलायबिलिटी होती है, रिलायबिलिटी ऑफ पैरेलल सिस्टम इज 1 माइनस आर वन, यानी पहले वाली सिस्टम की रिलायबिलिटी, और ये हो जाएगा 1 माइनस R2 ऑफ टी। ओके, सो यहाँ पे इसकी भी 0.9 है दिया हुआ है, और इसकी भी 0.9 है, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 0.9 और 1 माइनस 0.9, सो ये हो जाएगा 1 माइनस 0.9 इज 0.1 और ये हो जाएगा 0.1। ओके, सो ये हो जाएगा 1 माइनस 0.1 को मल्टीप्लाई करोगे तो 1 ही आएगा, डेसिमल दो स्थान बाद आएगा, तो 1 आप लिखोगे तो 10 ऐड कर दोगे, तो 1 माइनस 0.01 आपका होता है 0.99। सो ऑप्शन 4 जो है वो आपका करेक्ट आंसर होगा। सिंपल क्वेश्चन है, आपको सीरीज पैरेलल उसके फॉर्मूले पता होने चाहिए। ओके, ये सभी मैंने ऐड कर दिए हैं नोट्स में। ओके, नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 121 पर, द स्टैटिस्टिकल एरर रेफर्स टू, तो वो स्टैटिस्टिकल एरर क्या होती है, एक्चुअल वैल्यू माइनस एब्सोल्यूट एस्टिमेटेड वैल्यू। 2015 में फर्स्ट क्वेश्चन था ये आपका। ओके, एब्सोल्यूट आपसे रिलेटिव एरर नहीं पूछ रहे हैं। ओके, यहाँ पे रिलेटिव एरर में कंफ्यूज नहीं होना है, रिलेटिव एरर में हमेशा डिनोमिनेटर आता है, कोई भी चीज रिलेटिव आप अगर कोई भी फॉर्मूला कैलकुलेट कर दें तो ऑलवेज डिनोमिनेटर विल बी देयर। स्टैटिस्टिकल एरर एक्चुअल माइनस एस्टिमेटेड, तो ये फॉर्मूला तो वैसे ही गलत है, और ये रिलेटिव का हो जाएगा ऑप्शन 4। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 122, द रिलेटिव एरर इज ऑलवेज पॉजिटिव और नेगेटिव। सो रिलेटिव एरर आपकी होती है एब्सोल्यूट एरर अपॉन एक्चुअल एरर, तो एक्चुअल एरर अगर नेगेटिव है तो ओवरऑल रिलेटिव एरर आपकी या तो पॉजिटिव या नेगेटिव दोनों हो सकती है, ऑल दो एब्सोल्यूट एरर इज ऑलवेज पॉजिटिव, ठीक है, क्योंकि वो मोड में कैलकुलेट करते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 123, द स्टैटिस्टिकल लॉ बेस्ड ऑन ट्रायल एंड एरर मेथड्स आर, तो दोनों ही लॉ हैं, लॉ ऑफ स्टैटिस्टिकल रेगुलरिटी एंड लॉ ऑफ इनर्शिया ऑफ लार्ज नंबर्स, दोनों ही लॉ होते हैं। परीक्षण और त्रुटि विधियों के आधार पर सांख्यिकीय नियम निम्नलिखित में से कौन से हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 124, सो बाउलेस फॉर्मूला फॉर एब्सोल्यूट अनबायस्ड एरर, तो डायरेक्ट फॉर्मूला है। ओके, सो 2/√3√n एवरेज ऑफ एब्सोल्यूट एरर, तो ये आपको पता होना चाहिए, याद कर सकते हैं, आप नोट डाउन कर सकते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 125 है आपका, स्टडी बेस्ड ऑन कंप्लीट एनुमरेशन इज नोन एज, सो कंप्लीट एनुमरेशन मतलब कि कंप्लीट आप ओवरऑल पूरा सब कुछ कैलकुलेट करते हैं, तो वो होता है आपका सेंसस सर्वे। सेंसस सर्वे में सभी चीजों को, सभी पैरामीटर्स को लेकर कैलकुलेट किया जाता है। ओके,
पूर्ण गणना पर आधारित अध्ययन को हम जनगणना सर्वेक्षण कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 126 है, इफ द ट्रेंड लाइन विथ 2019 एज द ओरिजिन इज y इक्वल्स टू, ये दिया हुआ है, ठीक है, द ट्रेंड लाइन विथ 2015 एज द ओरिजिन क्या होगा। सो जब क्योंकि आपको क्या है, चार साल का डिफरेंस है 2019 से 2015 में, तो आपका ये y क्या दिया हुआ है, 24.6 प्लस 1.24, यहाँ पर x क्या हो जाएगा, 5 साल पहले x माइनस 4 हो जाएगा, सॉरी 4 साल पहले 2019 माइनस 2015 4, तो x को क्या पुट कर दोगे आप, x माइनस 4 पुट कर दोगे, तो 24.6 प्लस 1.24x और ये माइनस 4 चौका 16, 4 दुनी 8 9, 4 एकम 4 और ये 2, तो 24.6 में से ये 4.96 माइनस कर लो, 10 में से 6 गए तो 4, 15 में से 9 गए तो 6 और ये हो जाएगा 13 में से 4 गए तो 9 और 1, तो 119.64 माइनस सॉरी 1.24x, ये आपका इक्वेशन आ जाए। ओके, आगे का पूछा हो तो x को आप x जोतने भी ईयर दिए प्लस से आप उसको रिप्लेस कर दीजिए, ठीक है। इजी क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चंस आते रहते हैं, आते हैं जनरली, और ये इजी क्वेश्चंस हैं जो अटेम्प्ट करने ही चाहिए। नेक्स्ट है, द कंसिस्टेंट राइज इन द प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स कॉन्स्टिट्यूट्स द कंपोनेंट्स ऑफ अ टाइम सीरीज, पढ़ते ही समझ में आना चाहिए, कंसिस्टेंट राइज है, ओके, तो लॉन्ग टर्म या फिर उसे सेक्युलर ट्रेंड बोलते हैं, ठीक है। सीजनल का कोई मतलब नहीं है, साइक्लिकल का कोई मतलब नहीं है, इरेगुलर का यहाँ पर कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है। आई होप आपको डिफरेंस समझ में आया होगा सीजनल साइक्लिकल इरेगुलर का, मैंने प्रीवियस वीडियो में 2015 में भी क्वेश्चन आया था तो वहाँ एक्सप्लेन किया हुआ है। नेक्स्ट है 128, मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर टू फिट इन द ट्रेंड इज एप्लीकेबल ओनली इफ द ट्रेंड इज बोथ लीनियर और पैराबोलिक, दोनों के लिए वो फिट होता है, ठीक है। तो प्रवृत्ति में उपयुक्त होने के लिए न्यूनतम वर्ग की विधि को केवल तब लागू किया जाता है जब प्रवृत्ति रेखिक और पैराबोलिक दोनों हो। 129 है आपका, वापस वही क्वेश्चन है, ठीक है। तो आपको दिया हुआ है एनुअल ट्रेंड विद 2011 एज द ओरिजिन, एक्स जो है यूनिट जो है वो एक्स जो है वन ईयर है, ओके, और वाई इज इक्वल टू एनुअल डिमांड एज ये इक्वेशन दिया हुआ है। तो क्वार्टरली ट्रेंड पूछा है हमसे, यहाँ पर ये एनुअली दिया हुआ है, सो एक एनुअल यानी कि एक साल में, वन ईयर में कितने क्वार्टर होते हैं, 4 क्वार्टर होते हैं, 3-3 महीने के, ओके, तो अब हमें उस हिसाब से चेंज कर लेना है इक्वेशन को। तो मेरा वाई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 156.8, क्या करूंगी मैं, डिवाइडेड बाय 4 कर दूंगी, प्लस 8.4 डिवाइडेड बाय 4, और x मेरा क्या है, यूनिट इक्वल्स टू 1 ईयर, तो मंथ में हम जनरली कन्वर्ट करते हैं ईयर को मंथ्स में क्योंकि हम क्वार्टरली ट्रेंड कैलकुलेट कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। तो ये हो जाएगा 156.8 को आप 4 से करेंगे तो आएगा 39.2, और यहाँ इसको सॉल्व करेंगे तो 0.175x आएगा, ओके, सो ये हो जाएगा आपका इक्वेशन ऑप्शन नंबर 1। सो क्वार्टरली अगर आपसे पूछा है तो कैसे करना है, क्वार्टरली दिया हो और आपसे एनुअल भी पूछ सकते हैं, ठीक है, तो ये आपसे हाफ ईयरली भी पूछ सकते हैं, तो इनके जो किसको कितना मल्टीप्लाई और करना है या फिर डिवाइड करना है, ये फॉर्मूले भी नोट्स में आपको मिल जाएंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 130, लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज लेक्चर। So if the Derwin-Watson D test statistics is found to be equal to 0, the first order autocorrelation is perfectly positive. So autocorrelation वो negative तो definitely होगा ही नहीं, imperfect negative. Negative कब होता है, हमेशा 0 से नीचे ही होता है, ठीक है। So अगर आपको पता नहीं है, आपने कभी पढ़ा नहीं हो और फिर भी आप टिक कर रहे हैं तो definitely आप 2 और 4 तो आप नहीं ही लगाएंगे, okay? So this is all about today's lecture. आगे के क्वेश्चन आगे के वीडियो में देखेंगे, तब तक के लिए थैंक यू, ऑल द बेस्ट।